मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे ठाणे शहर में एंटी नारकोटिक सेल ने एक कार से 90 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बदलापुर शहर के पास बलपाड़ा गांव में इस छापेमारी को पुलिस ने अंजाम दिया है। पुलिस ने 9 लाख रुपए मूल्य का 90 किलोग्राम गांजा कार से बरामद किया है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं रवि जायसवाल, हसीन कयूम खान, मोहम्मद सदाब सिद्दीकी। इन पर नशीला पदार्थ NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 5 तारीख को शाम को 4:30 बजे हिल लेन पुलिस के अंदर कोई इसम गांजा सेल करने के लिए आने वाले ऐसी इंफॉर्मेशन मिला। उधर हमने ट्रैप लगाया, उनके पास 90 किलो गांजा और एक इनोवा गाड़ी बरामद की है। हिल लेन पुलिस में केस रजिस्टर किया है, अगला तफसील चालू है। सर, कुल कितने लाख का मुद्देमाल है और कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? 17,36,000 का मुद्देमाल जब्त किए हैं। सर, ये जो आरोपी गिरफ्तार करना है, इनका बैकग्राउंड क्या है और कोई गुनाह इनके ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर है? इन्वेस्टिगेशन चालू है, आगे का कुछ अगर इसमें से निकलेगा तो आपको हम बताएंगे। सर, किस लिए ये माल को लाया जा रहा था? ये ओडिशा से लाते थे इनोवा गाड़ी भर के, और बोनेट डैशबोर्ड इधर सब माल छुपा के अंदर रखा था। इन्फॉर्मेशन दी थी हमको मालूम हुआ तो हमने सब बरामद किए। सर, क्या और लोग होने के बीच में आशंका है? हाँ, इधर तब्दील चालू है।